और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रामशास्त्र और मैं हूं पुखराज सिंह। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए उठाए गए सशक्त कदम। राजनांदगांव जिले में 58,588 नए राशन कार्ड बनाए गए। वहीं कोविड 19 के दौरान बीपीएल श्रेणी के 2,92,402 परिवार एवं 1,896 प्रवासी मजदूरों को दिया गया निःशुल्क राशन। देखिए रिपोर्ट। शासन की ओर से प्रदेश की जनता को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सशक्त कदम उठाए गए हैं। राजनांदगांव जिले में जनवरी 2019 से 9 दिसंबर 2020 तक 58,588 नए राशन कार्ड बनाए गए, जिसमें नए बीपीएल राशन 10,727 तथा नए एपीएल राशन कार्ड 47,861 बनाए गए। खाद्य विभाग द्वारा कोविड 19 संक्रमण के दौरान युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा रोकथाम के उपाय हेतु लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से लोग घरों में रहने विवश थे। वहीं बीपीएल श्रेणी के परिवारों एवं प्रवासी मजदूरों के सामने लॉकडाउन के समय भोजन व्यवस्था की चिंता सताने लगी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीपीएल राशन कार्ड धारी तथा बिना राशन कार्ड धारी प्रवासी मजदूर परिवारों की चिंता दूर करने के लिए माह अप्रैल मई जून का राशन एकमुश्त निःशुल्क प्रदाय करने के निर्णय लेकर तत्काल वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जिले के समान एवं आदिवासी वनांचल क्षेत्र के बीपीएल परिवारों की एवं प्रवासी मजदूरों की बड़ी चिंता दूर हो गई। शासन की ओर से एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न दिया जा रहा है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के दिशा निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए जिले के सभी 869 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में सामान्य दूरी बनाए रखने हेतु खाद्यान्न का सफल वितरण किया गया। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों के पलायन के समय मजदूरों के परिवहन हेतु पेट्रोल डीजल एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई। जिला खाद्य अधिकारी किशोर सोमावार ने बताया कि कोविड 19 के दौरान कि जिले में 2,92,402 बीपीएल परिवारों को कुल 3 माह का चावल चना निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही प्रवासी मजदूरों को माह मई जून जुलाई 2020 को चावल का निःशुल्क वितरण किया गया। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।